Welcome friends on my YouTube channel, and today we will discuss about disk operating system DOS. So let's start. Friends, जो आपका first operating system था वो था आपका DOS, जिसको हम normally बोलते हैं disk operating system, और इसको Microsoft ने IBM PC या computer के साथ normally इसको introduce किया था 1981 के अंदर, जो कि आपका एक सी यू आई करेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या था, जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल हम जी यू आई इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं लाइक योर विंडोज. अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्सेज सी यू आई करेक्टर यूजर इंटरफेस के बीच में कुछ कंपेरिजन देखना चाहते हो या इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाए, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाए. अब हम बात करते हैं डिस्क, जो डॉस है वहाँ पे नॉर्मली आपकी कमांड्स लाइन के थ्रू आप अपने जितने भी ऑपरेशंस होते थे फाइल से रिलेटेड वो ऑपरेट करते थे. तो यहाँ पे नॉर्मली आपकी जो टू टाइप कमांड्स होती है, इंटरनल कमांड्स एंड एक्सटर्नल कमांड. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल कमांड्स एंड In further videos, I will discuss about external commands. So let's begin it. तो फ्रेंड्स, जो आपकी इंटरनल कमांड होती है, जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तब वो आपकी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर लोड हो जाती है. प्राइमरी मेमोरी मीन्स आपकी रैम. तो यहाँ पे इनको नॉर्मली हम मेमोरी रेसिडेंट कमांड्स भी नॉर्मली इनको कह सकते हैं. तो जितनी भी हमारी इंटरनल कमांड्स होती है वो आपकी कमांड डॉट कॉम फाइल के अंदर ही स्टोर्ड होती है, और जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो थ्रू आपकी कमांड डॉट कॉम फाइल होती है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करती है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, वो एग्जीक्यूट करवाती है आपकी जितनी भी इंटरनल कमांड्स होती है उनको. तो हम देखते हैं अपनी इंटरनल कमांड्स को. तो नॉर्मली जो आपके इंटरनल कमांड्स हैं उनको हमने थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट आपकी जनरल पर्पज, सेकंड फाइल रिलेटेड एंड थर्ड डायरेक्टरी रिलेटेड. अब यहाँ पे आपकी जनरल पर्पज लाइक क्लियर स्क्रीन, डायरेक्टरीज को चेक करना, वर्जन चेक करना, वॉल्यूम को चेक करना, डेट और टाइम को चेक करना, ये होती है आपकी जनरल पर्पज. किसी फाइल से रिलेटेड जितनी भी अपनी कमांड्स होती है वो आपकी फाइल से रिलेटेड होती है, और जो फोल्डर से रिलेटेड जिनको हम डायरेक्टरी बोलते हैं उनसे रिलेटेड जितनी कमांड्स होती हैं वो हमारे पास ये होती है. ओके, तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के. तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना कैसे है, आपको रन के आपके जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करना है. वहाँ पे जो आपका रन कमांड होती है उसके अंदर सिंपली आपको लिखना है cmd, देन प्रेस एंटर, एंड आपके पास यूजर जो CUI बेस्ड यूजर इंटरफेस होता है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने शो होता है. ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं अभी जो अपनी नेक्स्ट जो जनरल पर्पज कमांड है, क्लियर स्क्रीन और डायरेक्ट्री. तो नॉर्मली जो क्लियर स्क्रीन है, आपकी जो भी स्क्रीन पे कुछ भी आ रखा होगा उसको अगर आपको क्लियर करना है देन आपको लिखना है cls. ये आपका पर्टिकुलर सिंटैक्स इस प्रकार से आपको लिखना है, देन आपको एंटर करना है. कैसे तो वो बताता हूँ आपको. यहाँ पे सिंपली लिखना है cls, देन प्रेस एंटर. तो आपकी जितनी भी कमांड्स होती है या जो भी कुछ होता है स्क्रीन पे वो आपका क्लियर हो जाता है. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी आती है डायरेक्टरीज. अब अगर आपको किसी भी डिस्क के अंदर जो भी डायरेक्टरीज नॉर्मली आपने क्रिएट कर रखी है उनको अगर आपको देखना है तो वो नॉर्मली आप यहाँ से चेक कर सकते हो. कैसे तो दिखाता हूँ. तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर हूँ मैं अभी, तो मुझे डी ड्राइव के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज है उनको देखना है, तो मैं एंटर करूँगा सिंपली. तो जितनी भी मेरी फाइल्स है वो नॉर्मली मुझे यहाँ पे शो हो जाती है. ओके, फिर हम इनको स्विच कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे हमें पेज वाइज देखनी है या फिर वहाँ पे विड्थ वाइज देखनी है, तो वो मल्टीपल ऑपरेशंस हम अपनी डायरेक्टरीज को चेक करने के लिए देख सकते हैं. लाइक हम अपने जैसे फोल्डर के अंदर फाइल्स हमने बना रखी होती है तो उनको हम साइज वाइज देखते हैं, डेट वाइज देखते हैं कि कौन सी कब आपने क्रिएट करी, कौन सी फर्स्ट क्रिएट करी, कौन सी लास्ट. तो वही टास्क आपको यहाँ पे परफॉर्म करने होते हैं. लाइक आपको पी वाइज मतलब पेज वाइज अगर आपको वहाँ पे देखनी है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है. तो मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ dir, बैक स्लैश और
पेज वाइज, और देन ही मैं जैसे ही एंटर करता हूँ मैं, ओके तो आपकी जितनी भी डायरेक्टरीज है वो सो नॉर्मली आपको पेज वाइज इस प्रकार से शो हो जाती है। तो यहाँ पे 14 फाइल एंड 15 डायरेक्टरीज आपकी आपने डी ड्राइव के अंदर नॉर्मली स्टोर कर रखी है। नेक्स्ट जो अपनी कमांड्स आती है वो है यहाँ पे वर्जन एंड वॉल्यूम। अगर आपको अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसका वर्जन अगर आपको चेक करना होता है, देन आप सिंपली लिखते हो VER, कैसे तो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ VER। तो मेरा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन मुझे नॉर्मली यहाँ पे शो कर देगा। नेक्स्ट जो अगर मुझे वॉल्यूम चेक करनी है मेरी ड्राइव की, ओके लेबल लाइक उसकी वॉल्यूम, देन मैं यहाँ पे वो चेक कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ VOL एंड देन एंटर। तो ये मेरी वॉल्यूम है, वो सीरियल नंबर इज ये है, लेबल कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से मेरी जो भी ड्राइव है उसका वॉल्यूम मुझे यहाँ पे शो कर देता है। नेक्स्ट कमांड है अपनी डेट। अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपनी करंट डेट को, देन आप सिंपली यूज करते हो सी डेट, देन आपको एंटर करना है और आपकी जो करंट डेट है वो आपको एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे नॉर्मली आप जो भी आप न्यू डेट अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मान लो आपकी गलत है, देन आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो चलते हैं स्क्रीन के अंदर, मैं सिंपली लिखता हूँ डेट, एंटर करता हूँ तो ये मेरी डेट आ जाती है। और सिंपली अगर मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है, क्योंकि अभी मैं जो हम विंडोज़ पे वर्क कर रहे हैं तो अपना जो क्लाइंट या एडमिनिस्ट्रेटर है वो विंडोज़ है, तो ये उस नई न्यू डेट को नहीं लेगा। ओके तो हम इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट कमांड के अंदर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट है अपनी टाइम। ओके तो अगर हमें डिस्प्ले करवाना है टाइम को, और उसी प्रकार से जो आपका करंट टाइम आपको शो हो जाएगा, और एंटर आप कर सकते हो न्यू टाइम को, यहाँ पे आपका AM और PM हो सकता है। ओके फ्रेंड्स तो चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, और सिंपली यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम। ओके जैसे ही एंटर करता हूँ तो आपकी करंट टाइम आपको ये दिखाता है इस फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे आप जो आपको चेंज टाइम लगता है कि सही नहीं वो आप यहाँ पे इनपुट करके एंटर कर सकते हो। ओके नेक्स्ट कमांड इज। नेक्स्ट जो कमांड है अपने पास वो होती है कॉपी कॉन। अगर आप किसी भी ड्राइव के अंदर एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना चाहते हो, देन अपने पास जो कमांड है वो होती है कॉपी कॉन। और इसका सिंपल सा आपका आपके पास एक सिंटेक्स होता है, नॉर्मली आपको लिखना है कॉपी कॉन, देन आपका फाइल का नेम विद द एक्सटेंशन। नॉर्मली हम इसके अंदर टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं तो आप यूज करोगे फाइल नेम के साथ .txt। ओके फ्रेंड्स तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा रोज .txt फाइल का नाम, और देन जैसे ही एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे बस आप जो भी कुछ लिखना चाहते हो अपने फाइल्स के अंदर, नॉर्मली जैसे हम वर्ड की फाइल के अंदर अपने सेंटेंस या अपने पैराग्राफ जो भी राइट करते हैं उस प्रकार से आपको वहाँ पे राइट करना है। सिंपली Ctrl+Z के थ्रू आपको सेव करना है, देन आपके पास जो होता है वन फाइल्स कॉपीड, इट्स मीन्स आपकी फाइल उस डायरेक्टरी के अंदर सेव हो चुकी है। अगर आप उस फाइल को अबॉर्ट करना चाहते हो, लाइक सेव नहीं करना चाहते हो, देन आप Ctrl+C यूज करोगे ताकि आपकी फाइल सेव नहीं होगी। ओके और यहाँ पे बात ध्यान में रखने के लिए यही है कि आपको फाइल का नेम देना होगा एंड आपका उसको प्रॉपर एक्सटेंशन भी देना होगा। तो चलते हैं इसके अंदर प्रॉम्प्ट के अंदर, और सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना है कॉपी स्पेस कॉन। ओके देन आपकी फाइल का नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ROSE एंड .txt। ओके आपकी टेक्स्ट फाइल है तो मैं इसको लिख देता हूँ txt, और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैंने लिखा हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल, प्लीज प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके फ्रेंड्स अब मैंने इतना कुछ लिख दिया। अब मेरी ये जो फाइल है वो कौन सी ड्राइव के अंदर मैंने स्टोर कर रखी है, ई के अंदर। और अगर मैंने मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, देन मैं इसको सेव करने के लिए यूज करूँगा Ctrl+Z। ओके और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ
तो जैसे ही एंटर करता हूँ तो आपको यहाँ शो होगा वन फाइल्स कॉपीड, इट्स मीन आपकी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। और उस फाइल को मैं दिखाता हूँ आपको, तो हम चलते हैं अपने विंडोज के अंदर और वहाँ पे नॉर्मली मैं आपको फाइल्स चेक करवाता हूँ। तो मैं चलता हूँ मेरी ई ड्राइव के अंदर और यहाँ पे ये देखो रोज के नाम से अपनी फाइल क्रिएट हो चुकी है और जो कुछ भी हमने लिखा था वो सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया है। ओके, हम सिंपली यहाँ पे ये अपना ये जो इंटरफेस है ये अपना है यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ये जो इंटरफेस अपने पास मिलता है ये कौन सा है आपका करेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी कॉपी कॉन कमांड। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो अपनी इंटरनल कमांड्स है वो होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है देन लाइक द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।